सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजर को अच्छे से धोकर साफ करके और इसे कद्दूकस कर लिया है। ये 1.5 किलो गाजर है और 1.5 लीटर ही मैंने दूध लिया है, 300 ग्राम के करीब चीनी लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट है और 3 से 4 चम्मच देसी घी है। तो सबसे पहले हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे। गाजर डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद इसे हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद इसे हम अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो 1.5 किलो गाजर में मैंने 1.5 लीटर की दूध लिया है, क्योंकि मैं खोया नहीं डालने वाली हूँ। खोया के बिना ही दूध के साथ ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ। और अब इसे इसी तरीके से खुले ही, जब तक कि दूध अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ सारा दूध गाजर ने सोख लिया है। तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे हम और थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि चीनी से भी थोड़ा सा पानी निकलता है। जब तक कि चीनी का पानी भी अच्छे से सूख ना जाए, तब तक इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ चीनी का भी सारा पानी अच्छे से सूख चुका है और हलवा लगभग बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और बचा हुआ घी भी इसमें हम डाल देंगे। डालने से हलवे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो घी इसमें जरूर डालें। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची। इलायची से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अब मेरा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ मेरा हलवा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए ये कितना यम्मी दिख रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बना है। इस तरीके से बिना मावे के ही हम घर में हलवा बना सकते हैं, और इसका स्वाद मावे वाले हलवे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप भी इस तरीके से हलवा बनाकर जरूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।